Welcome students, welcome to online English class. Today is our lecture 8 of English. So first of all, आज हमारा जो है वो unit number 1, chapter number 1 का unit number 2 यानी के poem A Night in June की हम लोगों ने जो है वो reading करनी है और इसको discuss करना है. So first of all, let's move on to the poet जिसने ये लिखी है. About the poet William Wordsworth ने ये poem जो है वो लिखी है A Night in June, जिसकी date of birth till date of death है 1770 to 1850, was encouraged to read and memorize classic poetry from a young age. उसको जो है वो इस तरह की poetry लिखने का बहुत शौक था. He began to write his own poems while he was still a child. वो जो है वो अपनी poems भी खुद लिखता था जब वो बिल्कुल छोटा सा जो है वो बच्चा था, और उसको जो है वो poetry का बहुत शौक था. So let's move on to the words to know. Number one is cuckoo, a type of bird. This is a type of bird, कोयल. ठीक है, कोयल को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कुकू. गुशिस का मतलब होता है पोर्स, फ्लड, और स्ट्रीम्स इसका मतलब होता है यानी कि बहता हुआ पानी. ठीक है, पिपिंग का मतलब होता है विस्लिंग, ट्वीटरिंग, और सिंगिंग यानी कि गाना, चहचहाना, परिंदों की आवाज़ों को जो है वो हम लोग पिपिंग कहते हैं. सॉवरन का मतलब होता है सुपीरियर, लाइक दैट ऑफ अ रूलर यानी कि बहुत आला मकाम पर जो होते हैं. फॉर एग्जांपल, रूलर एक शहनशाह, उनको जो है हम लोग सॉवरन कहते हैं. थ्रश का मतलब होता है टाइप ऑफ बर्ड यानी कि बर्ड की ही एक किस्म. येट, स्टिल, अभी तक. ये हो गए हमारे वर्ड्स टू नो. सो हम लोग जो है वो रीडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री और पोइम इज द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट यानी के सूरज जो है वो कब का गरूब हो चुका है. द स्टार्स आर आउट बाय टूज एंड थ्रीज, और जो सितारे हैं वो दो और तीन करके निकल रहे हैं. द लिटल बर्ड्स आर पीपिंग येट, और पीपिंग का जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, विस्लिंग और ट्वीटरिंग और सिंगिंग, तो जो है वो छोटी जो चिड़ियाँ हैं या बर्ड्स हैं वो अभी तक जो है वो चहचहा रही हैं, गा रही हैं. अमंग द बुशेज एंड ट्रीज, झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान, देयर्स आर कुकू एंड वन और टू थ्रशेस यानी के वहाँ यहाँ पे एक कोयल और एक और दो चिड़िया मौजूद हैं. एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस, और जो है वो हवा जो है वो तेज़ी से मूव कर रही है यानी कि चल रही है. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस, और जो बहता हुआ पानी है उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है. एंड द कुकू सॉवरन क्राई फिल्स ऑल द होलो ऑफ द स्काई, और जो कोयल है उसकी जो आला आवाज़ है जिसमें वो चहचहा रही है और गुनगुना रही है वो आसमान की तमाम खाली जगह को जो है वो पुर कर रही है या फिल कर रही है. ठीक है, भर रही है. तो इसके आगे नीचे इन्होंने, ये हमारी रीडिंग हो गई, इसके आगे इन्होंने नीचे जो है वो पोइट का नाम लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया था, विलियम वर्ड्सवर्थ. दिस इज़ द पोइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर पेज ऑफ द यूनिट 2, पेज नंबर 10. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग एक्सरसाइज ए में से फर्स्ट पार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. ओपन योर पेजेस, पेज नंबर 10. अ लिटिल बर्ड आर पीपिंग येट, येट का मतलब होता है स्टिल यानी के अभी तक. ए में उन्होंने क्या बताया है, लेट्स रीड आउट. दिस सेंटेंस मीन्स, फर्स्ट पे है द बर्ड्स आर लिटिल बट दे आर पीपिंग. वो जो है वो बर्ड, अब इसमें से कौन सा आपको सही लगता है
जो है वो जो करेक्ट हो सकता है. द बर्ड्स आर लिटल बट दे आर पीपिंग. सेकेंड है द बर्ड्स आर स्टिल पीपिंग इवन दो इट्स आर लेट. यानी कि लेट का मतलब है कि सूरज गरूब हो जाना उसके बाद भी जो है वो चहचहा रही थी. द बर्ड्स आर पीपिंग बट आगे कुछ नहीं उन्होंने दिया हुआ. तो हमारा जो फुल सेंटेंस बन रहा है वो सेकेंड वाला बन रहा है. बी है वट टाइम ऑफ डे इज इट. सी है वेयर आर द बर्ड्स पीपिंग. डी है वट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मैंशनड इन द पोइम. सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर द क्वेश्चन. बी वाला जो क्वेश्चन है जैसा कि मैंने पढ़ा वट टाइप ऑफ डे इज इट. एज वी ऑल नो दैट जबकि सूरज गरूब हो जाता है. सूरज कब गरूब होता है? ऑब्वियसली इवनिंग टाइम. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इट इज इवनिंग टाइम. या इट इज इवनिंग. सी है हमारे पास वेयर आर द बर्ड्स पीपिंग. जो परिंदे हैं वो कहाँ पर चहचहा रहे थे? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इन दीज ट्रीज एंड बुशेज. ओके. डी क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर मेंशनड इन द पोइम. बर्ड्स जो है वो कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पे पोइम में जो है वो मेंशन की गई हैं? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लिटिल बर्ड्स आर कुकू टू थ्रशेज. यानी के एक कोयल और दो छोटी चिड़िया. ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो हम लोगों ने कर लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायरी. डायरी ऑफ अच्छा डायरी जो है वो आज हमारी है एक्सरसाइज ए बी लर्न एंड पार्ट वन टू. एक्सरसाइज बी डू एज होमवर्क ऑन नोटबुक. जो बी हमारा यानी कि पेज नंबर 11 है उसके आप लोगों ने सेंटेंसेस वाला पार्ट यानी कि फर्स्ट वन और टू पार्ट जो है यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ए है सेट. बी है फार ऑफ. सी है अमंग. डी है गुशेस और ई है होलो. यह आपने एज अ होमवर्क करना है. और जो टू है यूज़ दीज वर्ड्स इन ओरल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट मीनिंग लुक इन द डिक्शनरी. ये भी आपने होमवर्क करना है. ये दो पार्ट्स आपके जस्ट होमवर्क हैं और क्वेश्चन आंसर्स एंड पोइम आपने लर्न करनी है या उसको अच्छे से याद करना है. सो ये आज हमारा ये आज का काम था हमारा. सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.